आजकल जब भी मेडिटेशन की बात आती है तो कई ऐसे लोग सोचते हैं कि ये एक ऐसी चीज है जिसे डिवाइन पावर्स और कई ऐसे सुपरनेचुरल पावर्स को हासिल किया जा सकता है। एक तरीके से लोग सोचते हैं कि अगर मैं डीप मेडिटेशन करूंगा तो मुझे भी चमत्कारी शक्तियाँ मिलेंगी। उल्टा वो अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने के बजाय वो इन्हीं सब के बारे में सोचते रहते हैं। पर आज मैं आपको एक ऐसी रियल कहानी सुनाऊंगा जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये असल में इतिहास में हो चुका है। बात है 11वीं सदी की। मिलारेपा एक तिब्बती बौद्ध योगी और एक कवि थे, जिनके बारे में बौद्ध साहित्य और तिब्बती लोक कथाओं में ये लिखा गया है कि वो साधारण पत्थरों को खाने में बदल सकते थे और ध्यान के माध्यम से अपने शरीर को हवा में उठा सकते थे, और नेचर के कई ऐसे चमत्कारों को उन्होंने सिद्ध करके दिखाया था। हालांकि इसके पीछे की कहानी कोई नहीं जानता।